बस कुछ दिन ऐसा चलता रहा तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे सतीश, कुछ तो करना ही पड़ेगा। किशोर साहब, इन निशानात के बारे में कुछ पता चला? हाँ, बस यही एक उम्मीद रह गई है। तुम हो क्या करता थे? अरे बकरी का मामा किस तरह कर रहे? अबे मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। अबे इस तरह से बोलना मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। तो बोलना भूखा है। ले ये नाइट क्लब है पर मिला चुनाव की धर्मशाला नहीं। यहाँ तू अंदर जाएगा तो चिकन की तरह तू भी रोस्ट हो जाएगा। ये तो गुनाह की तरह मेरे तो पीछे लगा लगा मटका लगा लगा मजा। अगर आज बास होता वो भी देखता, मुझे भी कोई मटका लगाता है। बोल 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 अरे आज मैं क्या खाएगा क्या खाएगा बोल। ये मोर मसूर की दाल बोलता मुर्गी का हुआ। अबे चटनी क्या मुर्गी की? ये तो क्या नाराजगी होती है। हाँ 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 अंडा खाओगे? अच्छा बताओ हाफ फ्राई खाओगे या फ्राई खाओगे? जो भी हो चलो चलो चलो। अच्छा तुम जाइए ना, खा खा क्या बोला तुम्हें फ्राई होता। बादशाह। यस बॉस। कौन है यार? ये भूखा है बेचारा, गूंगा है। तुमसे क्या कह रहा था? मुझे खाने के लिए कुछ मांग रहा था बॉस। मैंने इसे कहीं देखा है? आपने इसे कहीं देखा है? अंदर बुलाओ। इसे अंदर। अरे वो आ रहा गूंगा खाओ, तेरी किस्मत खुल गई। अरे आज तो तू हमारा मेहमान है, बाप ने अंदर बुलाया तुमको। तू पूरा मुर्गा मिले किचन में बादशाह के पास गूंगा खड़ा है, उसको इधर दिया। और एक बस बैठ। अरे उधर नहीं, ऊपर कुर्सी में बैठ। बॉल उसको नीचे से बैठने दो ना, टेबल क्लॉथ खराब करेंगे। अच्छा बैठो, ऊपर बैठना जल्दी। हाँ ये बहुत दिन का भूखा है, इसको इतना खाना खिला कि सब पेट फट जाए। और एक बस आज इस धूबी के पास क्या है? किधर रहता है? कहीं भी रहता है। रोटी ले, रोटी ले। आओ लो लो। और बॉस बम्बन मालूम होता है? खा की मुर्गी है बॉस, बम्बन नहीं है। भरता रहे भरता रहे, डाल ले। आओ आओ आओ। दोस्तों आइसक्रीम लाओ। धन्यवाद।
नौकरी चाहिए मैनेजर, इसको काम पे लगा दो। रुस्तम, मेरा नंबर 34 को भेज लाओ। हाँ सब ठीक है। हाँ बॉस, हाँ देख सीधी तरह से काम कर, ये तो अपना बॉस है ना, तुझे वेटर से रेफ्रिजरेटर बना देगा, समझा बेटा? बेटा नहीं, बेटा नहीं, तू तो मेरे बाप से 2 इंच बड़ा और माँ से 1 इंच छोटा। देख देख देख, मैं मिस्टर रुस्तम खान हूँ। हाँ दिल भर जान नहीं, समझा? ले ले तेरे कपड़े। हाँ ये वेटर नंबर 34। अब 420 नहीं 34 है, काम बराबर करना। मैनेजर साहब, ये आदमी हम इसको संभालेगा। अच्छी अच्छी, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सब कहा तो निशान के समय कैसे बंद होने के बाद ये सब पीते हैं। अरे पैरा नंबर 34, इस लप्पू झंडा के चक्कर में मत आना, वरना बच्चों जिंदगी भर चक्कर में रहोगे और बॉस तुम्हारा आइसक्रीम बना देगा बगैर फल देगा। चलो फूटो, खड़ी खड़ी चुपता है। जी जी, थोड़ा अच्छा है और थोड़ा बुरा है। ये बीच में रहने का बात ठीक नहीं है, या तो बोलो अच्छा है जी, या तो बोलो बुरा है। पर समझी, घूमने को चलेगा जी? घूमने को? लेकिन ये बॉस के खाने का वक्त है जी। ये गूंगा किस लिए है, इसको भेज दो ना। इतना हसीन मौसम है, कितनी सुहानी घड़ी है, और रुस्तम जी तुमको खाने की पड़ी है। माँ कसम ये बात बहुत बड़ी है। बारा गूंगा, दूर से दूर से दूर से। देखो आज तुम बॉस को खाना ले जाओ, और हमारा पूछेगा तो बोलना क्या हम हवा खाने को गया है। दूर से दूर से, मुंह से बात आती है दूर से। कैसा आदमी है, घड़ी घड़ी चूमता है। अच्छा आदमी है जी। हाँ तो क्या मैं बुरा आदमी हूँ? तुम थोड़ा अच्छा है थोड़ा बुरा है जी। एक काम करो जी, बुरी चीजें तो डालो कचरे की पेटी में और अच्छी चीजें अपने साथ ले चलो जी। बनाने की जरूरत क्या थी? फिर कभी यहाँ खड़ा रखा जल मरवा डाला ना, कहीं ना अपनी नौकरी। उस गूंगे बेचारे को मार पड़ी है और तुझे नौकरी की पड़ी है? अरे मार तो उसे पड़ी है, मगर तू यूं क्यों खड़ी है? अबे जा, अरे चल चल के गूंगे से पूछते हैं कि बॉस की वजन कितना है। तेरे कोनी का वजन ज्यादा है। हाय मैं मर जाऊं, बॉस ने तुम्हें मारा, सब कसूर रुस्तम के बच्चे। क्यों भाई, खाना खिलाने तो ऊपर भेज दिया, ये नहीं बताया कि आप इस सीढ़ी के ऊपर अलार्म लगा के ताला ना मामा मारते हैं। ताला ना मारा, वहाँ क्या कर रहा है? अपना ही आदमी है। अच्छा भैया 34, मुझे माफ कर देना, जरा हाथ हटा। चल चल इसी बात पर थोड़ी सी पी ले, सब मार बार भूल जाएगा। हाँ हाँ, अबे जब तक है जी में जी तो कहते हैं पी, और जब निकल जाएगा जी तो पीछू कौन कहेगा पी। चल हम आज तेरे साथ पिएंगे और तेरे खाते पे पिएंगे। शर्मा रहा है। हाय मैं बताऊं, अकलमंद आदमी हाथ से मौका नहीं जाने देते। आज ऐसी पिलाओ ऐसी पिलाओ कि सब हाथ फैलाकर आंखें बंद करके चित के चित सो जाए। फिक्र मत कर, अभी लाता हूँ। अरे 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 34 के खाते में, समझा?
झूम के चले, हर से झूम के चले, आहा झूम के चले, ये चले मेरे प्यार के, झूम के चले, ये चले ये चले, हम तो सदा भी है तेरे प्यार के। ये ढले ये ढले हम तो शराब ले तेरे प्यार के, झूठे चले ये ढले ये ढले हम तो शराब ले तेरे प्यार के। कहता क्या ये जमाना हम क्यों इतनी खबर हो, इतनी है बातें कि बहकने में बसर हो, कहता क्या ये जमाना हम क्यों इतनी खबर हो। और नैन मिले ये मिले ये मिले हम तो शराब ले तेरे प्यार के, झूठे चले ये चले ये चले हम तो शराब ले तेरे प्यार के। ये जले ये जले हम तो शराब ले तेरे प्यार के, झूठे चले ये चले ये चले हम तो शराब ले तेरे प्यार के। पहले जो होश में आ जाएंगे निशान लेने लगे हाथ जाओ। अब गुड्डू ने क्यों करता है? Oh!
नीम साहब। अरे मैं साहब क्या, ये देखो ये मेन लाइन है, इधर लास्ट लाइन है। नीम साहब क्या हो गया, क्या बात? अरे बात क्या है, इधर रात है उधर बरसात है, हम थोड़ा पिए तो क्या बड़ी बात है, क्यों डर रही, हम बल्ला हो गया। इधर आओ, बोल। हम बल्ला हो गया। नीम साहब को ऊपर के कमरे में ले जाओ। अबे छोड़ मुझे। अरे ये पी रहा है, पी रहा बच्चा, छोड़ मेरा हाथ। अरे बात आ गया, मारेगा छोड़ मोरी भैया। अरे याद है रात तुम हमको घर ले जाओ ना, मेम साहब पी ला है, ले जाओ, बात आएगा तुझे। अरे छोड़, क्यों पी ला है, हम होश में, हमको सब मालूम है, ये मैनेजर है और तुम बेरा है, जानता है क्यों बे? ले जाओ पर जल्दी। अबे फिर बोलता है ले जाओ, तू हमारे मोहब्बत को ठुकराता है तो गेट आउट, हम जाएगा अलविदा 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 मेरे दिल में। अबे किधर गया वो, तो खड़े हुआ है ऊपर रास्ता ऐसे बोलता है। मैं तो तुम्हें तब मानूंगा रीता कि रमेश का सारा सोना हमारे हाथ में आ जाए। जिसने दिल दे दिए है बस, वो सोना लेकर कहाँ जाएगा। बाय बाय। देख लेता तो हम दोनों में से कोई भी जिंदा ना बचता। आज तक तू शायद वो जाग रहा होगा। देखो तुम चले जाओ यहाँ से, क्यों जानबूझ का खतरा मोल लेते हो, तुम जानते हो कि वो खतरनाक आदमी है। ना खुद बुजदिल बनो ना मुझे बनाओ, मैं पुलिस का आदमी हूँ बिंदु, मैं अपना ये फर्ज अदा करके ही जाऊंगा। इसके अलावा भी तो तुम्हारा दूसरों पर फर्ज है, अगर ये फर्ज अदा करते करते तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। तुम फिक्र न करो, मुझे कुछ नहीं होगा। इसका क्या यकीन है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम चाहते हो कि मैं सारी जिंदगी अपनी रोने पर बिता दूं। आज ये आदमी मेरे भाई को खा गया। बिंदु मैं किसी आदमी से बर्दाश्त नहीं होता, तुम चले जाओ यहाँ से। तुम मुझे पाकर कमजोर हो गई हो, तुम अपना सबसे बड़ा फर्ज भूल रही हो। तुम यहाँ विजय की मौत का बदला लेने आई हो और मैं एक मुजरिम को मुजरिम साबित करने के लिए आया हूँ। हम दोनों एक ही मंजिल के राह हैं, अगर हम दोनों इस मंजिल को तय कर जाएं तो हमसे खुशकिस्मत और कोई नहीं होगा। हौसला रखो, शायद अब वो सो गया होगा, तुम ही रहो, मैं आता हूं।
झूठ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम आज बच गए। अगर कहीं तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सच कहती हूँ, अगर अब तुमने कहीं आए कि अपने कदम रखा ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ बंधु, पुलिस इंस्पेक्टर की जिंदगी में ऐसे बेशुमार मौके आते हैं। तुम उसका ख्याल छोड़ दो किशोर। ख्याल छोड़ दो? हाँ। ये नामुमकिन है बिंदु। तुम भूल रहे हो कि मैं किशोर ही नहीं एक पुलिस इंस्पेक्टर भी हूँ, जिसका काम है लोगों के जान और माल की हिफाजत करना। हिफाजत करने के लिए जान खतरे में डालने की क्या जरूरत है? तुम प्राण को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? बिंदु, मैं जानता हूँ प्राण को गिरफ्तार करने से सारा गिरोह गिरफ्तार हो सकता है। ये नाइट क्लब, कुकिंग का धंधा, सोने का स्मगलिंग, ये सब कुछ खत्म हो सकता है। लेकिन ये सब खत्म करने के लिए मुझे सबूत चाहिए, सबूत। और उस सबूत की तलाश में मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। बिंदु, तुम तो खामोखा घबरा रही हो, भला तुम्हारे रहते मुझे वहाँ किस बात का खतरा है? नहीं, नहीं, बिंदु, मैं एक बार नाइट क्लब में फिर से जाना चाहता हूँ ताकि सारे राज तुम मुझे अच्छी तरह समझा सको। मैं? हाँ, और इस बार मैं पूरे सबूत समेटने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं हूंगा और मिस्टर प्राण। आखिर मेरी नजर तो खा ही गई। मैंने बादशाह से उसी वक्त कहा था कि मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। कौन है, कौन है वो जो हमारी गिरफ्तारी चाहता है? कौन है? बस मुझे तुम्हारी बिंदु पर शक है। ये तुम नहीं, औरत की जलन बोल रही है। जलन नहीं डार्लिंग, आई डाउट हर। कहां गई है वो इस वक्त? कहां बिंदु? कहां बस वो एक बहुत बड़ी आसामी को फांसने गई है। आसामी को फांसने गई है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कहां रही थी तुम? कैसी लग रही हूँ बॉस? मैं पूछता हूँ तू कहां रही थी? बॉस, आज तो मजा ही आ गया। मैं उसके करीब जाकर बैठी, टोपी उतारी, लड़ाई ली, खून कर देखा, वो देखते का देखता ही रह गया। मेरी कलाई पकड़ी, मैं पल खा गई, मेरा हाथ पकड़ा, मैं घूम गई। ऐसी घूमी बॉस, वो घूम गया, मैं घूम गई, हम दोनों घूम गए। क्या ख्याल है बॉस? फिर क्या हुआ? बस मेरा हाथ थाम कर कहने लगा, तुम कितनी बहादुर हो बिंदु, हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। चांदनी गहरी हो गई, तारे शर्मा गए। शाबाश, बहुत बड़ी आसामी है बॉस। कल शाम को आने का वादा किया है। भरी हुई जेब लेकर आएगा, खाली जेब लेकर जाएगा। पैसा बहुत है, अक्ल कम है बॉस। शादी का झांसा दिया है। कितने बजे आएगा वो कल? शाम को 8 बजे। बस बॉस ऐसा काटना कि मजा आ जाए। काटूंगा, ऐसा काटूंगा कि वो भी याद रखेगा। पक्का बॉस? ये है मेरे अंकल, और अंकल ये है मेरे होने वाले। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। जी मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, और आपकी भतीजी जरा शर्मिली है। बहुत दिन से इंतजार था। जी काफी बिजनेस फैला हुआ आपकी दुआ से, इसलिए वक्त नहीं मिलता। जरूर जरूर। वाह, क्या खूबसूरत होटल है। दरअसल प्राण साहब, यहाँ की हर चीज मुझे खूबसूरत लगी। शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन आपके घर से ज्यादा खूबसूरत नहीं अंकल। आपने इनका घर नहीं देखा? बड़े बड़े दरवाजे, खिड़की और दरवाजों के ऊपर मोटी मोटी सलाखें, और बड़े दरवाजे के ऊपर नंगी बंदूक का पहरा। जी बजरी, शायद कोई आपको नीचे बुला रहा है। जी नहीं, ये तो मेरे कमरे में बज रही है। अच्छा, खूब मेहमान सीढ़ियों पर और घंटी आपके कमरे में। जी हाँ, ताकि नौकर खबरदार हो जाए। खूब खूब सेक्रेटरी नोट कर, अपने मकान के लिए भी बहुत काम की चीज है। वेरी गुड। ये है मेरा डाइनिंग रूम, और आप है मेरे दोस्त श्री राम प्रसाद जी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बहुत बड़े व्यापारी। आपसे मिलिए श्री मदनलाल भूटानी, बेशुमार मिलों के मालिक। बस बस, आपसे मिलकर बहुत खुशी है। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी है।
मैंने आपको कहीं देखा है जी? बर्मा में? मेरा बर्मा में मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट था, आप फौज में तो नहीं थे? जी नहीं, मैं तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापारी हूँ। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापारी, माफ कीजिए गलती हो गई। मेरा सेक्रेटरी कहाँ गया? सतीश। यस सर। मनसुख लाल का अपॉइंटमेंट कितने बजे है? 10:25। 10:25? ओ, मुझे टेलीफोन करना पड़ेगा, माफ कीजिए। जी चलिए चलिए चलिए। दिस वे प्लीज। सतीश इसे जरा बुझा देना। यस। क्या हुआ बिंदु, क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। शुक्रिया। टेलीफोन? मैं तो सुनता टेलीफोन करने के लिए आप मुझे नीचे ले जा रहे हैं। जी नहीं, मैं आपको यहीं ले आ रहा था। ओह शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अजीब जगह टेलीफोन है। हेलो मनसुख लाल जी, मैं बोटानी बोल रहा हूँ। आपके साथ अपॉइंटमेंट था ना आज, वो आज कैंसिल कीजिए। अजी हाँ, मैं आपसे कल मिलूंगा। गुड नाइट। वाह भाई खूब, अजीब जगह टेलीफोन लगवाया आपने। ऐसे वैसे मौके पर ढूंढे तो उसे मिल ही नहीं सकता। अंकल अंकल इस मामले में थोड़े क्रेजी है। सॉरी अंकल, इनके शौक का कोई जवाब नहीं। बटन दबाओ, दीवार गायब। चिकना करो। आई आई अंदर आई आई। प्लीज तुलसी देखिए। शुक्रिया। आप हैं मेरे दोस्त मिस्टर जोसेफ। मिस्टर जोसेफ हरिडू, कहिए ताश का शौक है आपको? ताश? ताश अंकल, ताश की तो ये हालत है, जुआ खेलने वाले इनसे इतना डरते हैं कि जैसे ये कमरे में दाखिल हुए, ताश और नोट मेज पर और जुआ खेलने वाले कमरे से बाहर। ऐसी कोई बात नहीं है, जरूरत से ज्यादा मेरी तारीफ कर रही है। खाने से पहले दो दो हाथ हो जाए। दरअसल मैं यहाँ ताश खेलने नहीं आया, बिंदु ने अपने अंकल की इतनी तारीफ कर दी कि मैं इनसे मिलने के लिए मजबूर हो गया। बनते क्यों हो, दो चार हाथ दिल बहलाने के लिए खेल लो ना। अगर रुपए नहीं है तो अंकल से ले लो। क्यों अंकल, सब कुछ इन्हीं का तो है। यकीनन यकीनन, आप मेरे होने वाले दामाद हैं। जी हाँ अंकल, एक रोज हमारे पास तो सब कुछ आने वाला है। तो फिर हो जाए। जी हाँ जी हाँ। आपका बिजनेस? जी हाँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। आइए तो फिर हो जाए। आप मिस्टर जोसेफ? मिस्टर जोसेफ कहिए, क्या खेलेंगे? रमी, फ्लैश, पोकर, क्वांटम या ब्रिज? लेकिन ब्रिज तो आप लोग खास खास मौके पर खेलते होंगे। चलिए आज फ्लैश ही हो जाए। चलिए मिस्टर जोसेफ शुरू कीजिए। जी हाँ अंकल, जेब भरी हुई रहती है इसलिए भरा हुआ पिस्तौल रखना ही पड़ता है। आइए। मगर ऐसी पिस्तौल तो सिर्फ पुलिस या फौजियों के पास होती है। अच्छा, लेकिन मैंने तो ये शायद बर्मा में खरीदा था। मेरा मतलब है कि रईसों के पास बहुत कम होती है। मुमकिन है, जरा देखो तो। जी देखिए। हेलो हेलो, लगाने की तैयारी कर रहे हैं। चाबी मैंने देख ली है। तुम्हें यकीन है कि चाबी उसकी जेब में है? आप सब इंतजाम करके रखिए, मैं भी पहुंची। बहुत अच्छा, उसे जल्दी ले आओ। कहाँ
वेलकम डार्लिंग। मिस्टर फ्रांक। हाँ मिस्टर रमेश। आइए आइए, आपके आने की बड़ी खुशी हुई, आपका कब से इंतजार हो रहा था। आइए। कहाँ फिर हम, कहाँ फिर तुम, कहाँ ये रातें, धड़कते दिल से हो जाए जरा दो बातें, पुकारे दीवाने में के बादल है मनाए बरसातें, कहाँ फिर हम, कहाँ फिर तुम, कहाँ ये रातें, धड़कते दिल से हो जाए जरा दो बातें। उल्फत के तारानों में सब खोए हुए हैं, कहने को है जागे थे पर खोए हुए हैं, उल्फत के तारानों में सब खोए हुए हैं, कहने को है जागे थे पर खोए हुए हैं, पुकारे दिल दीवाने में, न घबराना न शर्माना बुरी है ये बातें, कहाँ फिर हम, कहाँ फिर तुम, कहाँ ये रातें, धड़कते दिल से हो जाए जरा दो बातें। अफसाने निगाहों से सुनता जा दीवाने, फिर आए कि ना आए मिलने के जमाने, अफसाने निगाहों से सुनता जा दीवाने, फिर आए कि ना आए मिलने के जमाने, पुकारे दिल दीवाने में, बड़ी मुश्किल से आई है मिलन की ये रातें, कहाँ फिर हम, कहाँ फिर तुम, कहाँ ये रातें, धड़कते दिल से हो जाए जरा दो बातें, पुकारे दिल दीवाने में, के बादल है मनाए बरसातें, कहाँ फिर हम, कहाँ फिर तुम, कहाँ ये रातें, धड़कते दिल से हो जाए जरा दो बातें। वक्त ही अभी मिला, कल सुबह शायद नहा सकती, बहुत जरूरी काम था। क्या बात? उन लोगों ने सोने के स्मगलर की चाबी का नक्श ले लिया है, कल सुबह चाबी बनेगी और शाम को डाका होगा। डाका कहाँ डाका होगा? ये तो मुझे मालूम नहीं, कल एक आदमी चाबी का सांचा लेकर नई चाबी बनवाने जाएगा, तुम उसका पीछा करना, उसका पीछा करने से शायद सारे ग्रुप का मालूम पड़ जाए, सोने का स्मगलर है और चोरी का भी पता चल सकता है। चाबी का सांचा लेकर कौन जा रहा है? अभी कुछ पक्का नहीं है,
जैसे ही पक्का हुआ मैं तुम्हें टेलीफोन कर दूंगी। मेरे तो ख्याल में वो मोटा पाशा है ना, वो नहीं तो अपना बैरा रुस्तम। रुस्तम, हाँ रुस्तम लेकर जाएगा। अच्छा तो मैं जाऊँ। इतनी जल्दी? ये खबर देने की तो आई थी। खबर देने? कभी खबर लेने भी आती हो? आप खुद ही आ जाया कीजिए ना। ये है चाबी का साचा, जरा होशियारी से जाना। बहुत अच्छा बॉस। जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना, मैं इधर ही हूँ। ओके बॉस, चाबी बनते ही मैं आपको फोन कर दूंगा। बिंदु। यस बॉस। तुम फोन पे रहो, जो ही पाशा का फोन है मुझे खबर करना। खबर देना तो मेरा काम ही है बॉस, खबर तो मैं कर ही दूंगी। हमारा नहीं तो क्या किसी शरीफ आदमी का करेगी, पर आप ये बता करना क्या चाहिए? ये चाबी का साचा ढूंढा कर देना चाहिए। तलाशी लेने पर ये साचा हमारे देश से निकला तो रुस्तम बहुत बुरी हालत होगी हमारी। रुस्तम रास्ते में गाड़ी रोकते हैं और हम पैदल चलेंगे, ये चाबी का साचा रास्ते में किसी की जेब में डाल देंगे। पाशा, ये चाबी का साचा हम जिसकी जेब में डालें तुम उस आदमी का पीछा करना। इंस्पेक्टर को मैं संभालूंगा। ओके, पाशा, पुलिस की जीप हमारे बिल्कुल करीब आ चुकी है, अब क्या करना चाहिए? मेरा इरादा है। हाँ ठीक है, तुम्हारा इरादा, तुम साँचा उसकी जेब में डाल देना, फिर पीछा करना, वो पुलिस को संभाल लेगा। वो गाड़ी तुम्हारी है? अजी इंस्पेक्टर साहब, भला हमारे अधीन नसीब कहाँ, बस स्टॉप पे खड़े थे, एक भले आदमी आकर लिफ्ट दे दी। मैं तुम्हारी तलाशी लेना चाहता हूँ। जरूरी है। और इंस्पेक्टर साहब, पुलिस की सेवा करना तो हमारा फर्ज है। ओके तो यही कहीं न जाने कहां गायब हो गया। अयो जरा धीरे जी, हमारी चमड़ी बहुत नरम है। क्या मखमल है मखमल, पैर रखो तो फिसल जाए। आप हमारी बात में क्यों बोलते जी? स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी। ये नमस्ते कैसा जी? आपने मुझे पहचाना नहीं स्वामी जी, मैं और पाई भगवान दास आपकी शादी में आए थे। शादी? हाँ। कैसी शादी? हमारी शादी हुई थी? नहीं शादी हुई नहीं। नहीं स्वामी जी आप भूल रहे हैं, आपकी शादी हुई थी और हुई थी, जरूर हुई थी। तुम हमारी शादी पे कैसे आ सकता जी? हमारी शादी क्या, हमारे खानदान में किसी की शादी हुई जी? नहीं क्या कहा, आपके खानदान में किसी की भी शादी नहीं हुई? तो माफ करना, आप तुम
तुम हम कैसा पैदा हुआ ये पूछता ना तुम? हमारे परदादा ने हमारे दादा को गोद में लिया, हमारे दादा ने हमारे बाप को गोद में लिया, और हम बाप को गोद नहीं, बाप ने हमको गोद में लिया। तो यही हो, तुम भी तो किसी को गोद लेंगे? लेंगे, जरूर लेंगे, लेकिन तुमको नहीं लेंगे। ओ, गोद को गोद में लेंगे, मुझे गोद में नहीं लेंगे। चलिए साहब, गोद को गोद में लेंगे, मुझे नहीं लेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, हम भी देख लेंगे। क्या बनाओ साहब? सेब बनाओ, मगर सुनो उससे पहले जरा जल्दी करिए जी, हमको ये आदमी पॉकेट मार मालूम होता है, जल्दी करिए। अरे भाई जरा जल्दी 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 जरा जल्दी भाई जल्दी भाई जल्दी जरा जल्दी जल्दी जरा जल्दी करो जी, जरा जल्दी करो। ए भाई जरा जल्दी जल्दी। अयो हम इतना जल्दी नहीं मांगते जी। अरे भाई जल्दी कहा था, चबरी उधेड़ने के लिए थोड़ी कहा था, जरा नरमी से काम ले। आते चला राम राम जी साहब। अरे साहब क्या जहन्नम में हम मुझे ठेव नहीं करा ली। अयो हमको माफ करना, हमारी गलती हो गई। ओ स्वामी तेरा बेरा गर्क हो, मुफ्त में मारा मुझे। भाई माफ करना भाई। काई नहीं काई नहीं। अरे काई नहीं काई नहीं का, यहाँ तो बहुत कुछ हो गया। ऐसे उठो स्वामी, रंगा स्वामी तेरा बेरा गर्क हो। अयो ये पॉकेट मार कहाँ से मेरे पीछे पड़ा है? वेंकटरमणा बस जल्दी आने दो। अयो आ गई। अबे मैं मर गया। क्या करता है तुम्हें? आप जाइए। मेरी माँ मैंने देखा, मुझे फर्स्ट में जाने का। वेंकटरमणा आप क्यों? मैं क्यों उतरू? मैं इससे पहले लाइन में था, माने का तो उतरू पहले था। अरे वाह वाह, मैं पीठ गुजा रहा था तो तुम चले आया। बोलता झगड़ा मत करो, हम चला जाता जाओ ना। क्या बात करता हूँ? वो माता वो चला गया तो फिर मैं क्या करूँगा? आइए मलाया मैं किंको को यूं पकड़ा, यूं मारा, यूं उठाया, क्यों मारा हूँ? माफ कर रहा। क्यों माफ कर रहा? क्यों गाड़ी में आया? अभी नहीं आऊंगा, अभी नहीं आऊंगा, अभी छोड़ दो। मैं तो अभी छोड़ दो। क्यों आया? क्यों छोड़ दिया? क्यों मारना था? क्यों मारना था? अरे क्यों छोड़ा? ये मुझे ये मुझे क्या समझे? अरे बाप रे, माफ करना माफ करना माफ करना। गाड़ी में बगल कुछ क्यों आया? अरे जान मारने को आया, आज आया, कल नहीं आऊंगा। अरे अरे हमको छोड़ दो बाबा, हमको बड़ा फोन करता। अरे मेरे बहुत मारा। अरे
खुद ही पीछे लगा था, खुद ही भाग गया। मेरी नोट तलाशी लिस्ट जी हाँ। वो तो पहला से लिया, कुछ नहीं मिला। तो चाबी का सांचा कहाँ गायब हो गया? चाची के चाचा का तो पता नहीं। आप मैं पूछ रहा हूँ चाबी का सांचा कहाँ गायब हो गया? चाबी का सांचा आप लोगों को क्या मालूम कैसा चाबी कैसा सांचा? तुम झूठ बोल रहे हो। हम झूठ नहीं बोलता साहब, हम बहुत शरीफ आदमी है, अपने को अभी नहीं मालूम। शायद हमारा टेलीफोन आया है तो बंद कर दो साहब। हम शरीफ आदमी नवा कोट फट जाएंगे आपको। इंस्पेक्टर किशोर ओ बिंदु, मैंने उस आदमी का पीछा किया, उसे गिरफ्तार भी किया, लेकिन उसके पास कुछ मिला नहीं। मुझे पाशा का फोन आया था अभी, उसने यहाँ से दूसरे आदमी को बुलवाया है। चाबी का सांचा चाबी बनाने वाले के पास पहुँच गया है। इस नए आदमी का कद दरमियाना, रंग गंदुमी, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी मूछें, नीली टोपी, नीली पैंट, गाड़ी का नंबर 350। कौन सा बिल्डिंग? बिल्डिंग वी नरीमान बिल्डिंग, गाड़ी नंबर 350। अच्छी बात। पुलिस आ गई थी। हाँ, डरने की कोई बात नहीं।
बुलाओ स्टेशन। इंस्पेक्टर किशोर को बुलाइए। हेलो इंस्पेक्टर किशोर। ओ बिंदु, नाका खत्म हो चुका है, मुझे सायन चेक नाका पर मिलो, जिस गाड़ी में मैं हूँ उसे पकड़ लो। चेकिंग। एक एक गाड़ी अच्छी तरह देखी जा रही है और इंस्पेक्टर किशोर ही ड्यूटी पर। इंस्पेक्टर किशोर, किशोर इधर आना। चौबी को टेलीफोन करो, उसे कहो कि सोना आ गया है, रुपए लेकर जल्दी आ जाए। हेलो पुलिस स्टेशन, माल तैयार है। माल नमसाबी पुलिस स्टेशन है। क्या कहा? वो दुकान पर नहीं है। नमसाबी पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन। खैर कोई बात नहीं, मैं फिर फोन करूंगी। सॉरी, का क्या हुआ जी? वो दुकान पर नहीं है। उसे घर पर जाकर इत्तला करो कि रुपए लेकर फौरन ही आ जाए। यस बॉस। जैसे ही तुम पहुंचोगे, सोना और जौहरी दोनों वही मिलेंगे। ठीक है सतीश, तुम जौहरी के घर पहुंच जाओ, जैसे वो निकले उसका पीछा करो। ओके। अच्छा किशोर, मैं जाती हूँ। अच्छी बात है। ओ,
बिंदु कहाँ गई है बॉस? जौहरी के पास, लेकिन मैंने उसे पुलिस स्टेशन आते देखा है। पुलिस स्टेशन? पागल हो गए हो, मैंने खुद उसे जौहरी के यहाँ भेजा है। तो फिर वह जौहरी के यहाँ नहीं गई बॉस? मैंने खुद उसे अपनी आंखों से पुलिस स्टेशन आते देखा है। इम्पॉसिबल, बिंदु को पहचानने में मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। लेकिन बॉस आज आपकी आंखें धोखा खा रही है। मैं सच कहता हूँ बॉस, मैं बिंदु को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। पुलिस स्टेशन? हाँ बॉस। तुम जा सकते हो। कहाँ गई थी? जौहरी के पास। कहाँ गई थी? जौहरी के पास। कहाँ गई थी? जौहरी के पास। कहाँ गई थी? जवाब दे, कहाँ गई थी? जानना चाहते हो तो सुन लो, मैं पुलिस स्टेशन गई थी। पुलिस स्टेशन क्या करने? एक खूनी से बदला लेने। कैसा बदला? कौन सा भाई? विजय। तुम विजय की बहन हो? हाँ, मैं विजय की बहन हूँ। तुम समझती हो मैं कठपुतली हूँ जो तुम्हारे इशारों पर नाचने के लिए आई हूँ? समझते हो कि मैं यहाँ इसलिए आई थी कि तुम्हारे लिए कोकीन के पैकेट पहुँचा दूँ, तुम्हारे लिए हार चुराऊँ, तुम्हारे लिए लोगों को फांस कर लाऊँ? मैं बच्चे की आग में चलती हुई यहाँ आई थी। थोड़ी देर में तुम भी साथ की लपेट में आ जाओगी। तुम चलोगी और मैं तमाशा देखूंगी कानून के लंबे हाथ। कानून के लंबे हाथ में तो हो जाएंगे और मेरे दिल की जलन छुट्टी होगी। तुम्हारी जिंदगी बहुत तो बदलेगी। मैं कैसे लगा लगा कर हंसूंगी, खूब हंसूंगी। चपराल, आज मैंने अपने भाई की मौत का पता ले लिया है। जॉन, जॉन यार है, इससे मैं पास नहीं बैठूंगा। डाल इसे अंदर की कोशिश। थोड़ा आपका थोड़ा तो लीजिए, जिनने की कोई जरूरत है मुझे आपको भरोसा नहीं। मैं जाता हूं। हैंड्स अप। नाइट क्लब की जिंदगी आज खत्म हो गई। उनके हवाले कर दीजिए। Thank you.
मुझे अफसोस है सतीश, मैं प्राण को अदालत में जिंदा हाजिर नहीं कर सका, लेकिन आज से नाइट क्लब की जिंदगी खत्म हो चुकी है। वो रही लाश। कंग्रेचुलेशन, कम ऑन। अब क्या सोच रही हूँ? सोच रहा हूँ कि जब घर पहुँचूंगा तो माँ कहेगी बेटा गया तो अकेला था लेकिन साथ किसे ले आया, तो क्या जवाब दूंगा? बस इतनी सी बात? ये छोटी सी बात है। A range of blank audio cassettes from TCU, rugged, dynamic, and pure quality. Presenting the latest in TV technology. Only from T-Series, unmatched quality, unbeatable price. T-Series, India's largest selling video systems with MP3, built-in amplifier, and with video games with full function remote. Widest range of video systems from 3995 to 9995 rupees, free gifts up to 3500 rupees, and with 6 months T-Series warranty.